चूंकि अवधेश जी ने अज्ञेय को भी पढ़ा, उसके पहले भी पढ़ा, तो मैं भी कुछ पढ़ ही देता हूँ। पढ़ ही दीजिए, पढ़ के ही। मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहाँ और भी खराब। मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहाँ और भी खराब। रोशन हुए चराग तो आंखें चली गई, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। वाह वाह। मूरत को संवारने की कोशिश में उसको इतना बिगाड़ दिया गया है ना कि अब तो बस स्थिति ये है कि जिसको एक कमरे में रखे हुए हाथी की तरह कोई पैर पकड़ रहा है, कोई सून पकड़ रहा है और उसको अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। जितना नुकसान इस देश में जातिवाद ने किया है, और ये बिल्कुल तथ्य है कि हजारों सालों तक पिछड़ी जातियों के साथ इस देश में अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, दमन हुआ, उस दमन से उनको निकालने के लिए जातिवाद के नाम पर जो जाति के वोट बैंक की राजनीति हुई है उसने भी उतना ही बुरा किया है, और वो आने वाले सैकड़ों और हजारों साल तक उसी तरीके से बुरा न करता रहे, इसके लिए आम नागरिक की मंशा तो ये होनी चाहिए कि जाति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति बंद हो। और ये वाकई एक विडंबना है कि 2 अक्टूबर को ही, गांधी जयंती के दिन ही, बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट आती है। उसमें भी विडंबना यह है कि उसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो सर्वेक्षण हुआ वो उसके आंकड़े, उसके तथ्य सामने नहीं लाए जाते, केवल जातियों के आंकड़े सामने लाए जाते हैं। उसको लेकर विरोधाभास हो सकता है। वही महात्मा गांधी जिन्होंने इस तरह की जाति व्यवस्था का विरोध किया, अस्पृश्यता को लेकर लड़ाई लड़ी, उनको हरिजन भी कहा तो उस हरिजन शब्द को भी गलत मान लिया गया। ऐसी विचित्र राजनीतिक गलियारों से ये पूरी जाति व्यवस्था गुजरी है कि अब वो और भी भयावह मोड़ पर आती चली जा रही है। उसको खत्म करने की बजाय हम ये सोचने पर विवश कर रहे हैं नए समाज को भी, आधुनिक समाज को भी, जो मंगलयान भी भेज रहा है, गगनयान भी भेज रहा है और आदित्य L1 भी भेज रहा है, कि बगल में जो बैठा है उसकी जाति क्या है, जो साइंटिस्ट है उसकी जाति क्या है। राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, वो 90 सचिवों का आंकड़ा कहीं से लाए हैं और कह रहे हैं कि उसमें 3 OBC के हैं। और आपका जो सवाल था OBC पर ही क्यों, अवधेश जी ने अपनी बातचीत में उसका जवाब दिया था। 44% वोट अगर किसी को एक किसी विशेष वर्ग के मिल जाते हैं तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक हो जाता है। VP सिंह भी जब लाए थे तो वोट बैंक के लिए लाए थे, और वो राजीव गोस्वामी के आत्मदाह की जो आँच थी वो अभी भी ठंडी नहीं पड़ी है, उसी की राख पर राजनीति आज भी जारी है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इसी तरह के मसलों पर राजनीति होती है। हर एक के लिए जाति वोट बैंक है, और जब तक वो जाति वोट बैंक है तब तक उसमें से एक निष्पक्ष निर्णय निकल कर नहीं आएगा, और समग्र समाज के विकास की अवधारणा कभी भी सही रूप में साबित नहीं होगी, क्योंकि वो जाति नहीं है, दरअसल अब एक वो बड़ा वोट बैंक बन चुका है। और ये दुर्भाग्य है कि प्रतिभा के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाने की जहां बात होनी चाहिए थी, वहां पर बात होती कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। अगर हेडकाउंट के आधार पर चीज़ें तय होने लग जाएगी तो टैलेंट जो है वो कहां जाएगा, और ये बहुत लंबी बहस है विचारधारा की। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरी जातिगत जनगणना में एक और 2 अक्टूबर से जुड़ा हुआ संयोग है कि 2 अक्टूबर 2017 को ही रोहिणी आयोग का गठन हुआ था, इसी पूरी OBC को मिले हुए आरक्षण का अध्ययन करने के लिए। उन्होंने अक्टूबर में ही 2017 में काम शुरू कर दिया था 17 तारीख को, लेकिन उनका पूरी जो रिपोर्ट थी वो नहीं बन पाई, कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिलता रहा। लेकिन अभी जुलाई 2023 में वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास वो रिपोर्ट है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में बातें आई हैं जिनको मैं पढ़ रहा था, अगर वो सही हैं, पहले ही मैं डिस्क्लेमर था, मुझे नहीं पता ये तथ्य सही है कि नहीं, लेकिन अगर उसमें जो लिखा है वो सत्य है तो हमको पहले ये देखना चाहिए कि ये जो सारा आरक्षण मिला है और इसमें जो पूरी मलाई वाली क्रीमी लेयर वाली चर्चा है वो कितनी गंभीर है। उसमें ये बताया गया है, जो बाहर बातें आई हैं उसके मुताबिक, कि 2633 कुल जातियां OBC में, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, उसमें से 1000 ऐसी जातियां हैं जिनको पिछले 3 दशक में किसी प्रकार का कोई लाभ आरक्षण का मिला ही नहीं है। उसका 58% लाभ केवल 45 जातियों को ही मिल गया है। इसका मतलब जिसके घर में आरक्षण का लाभ लेकर कोई IAS बन गया, कोई अधिकारी बन गया, कोई नौकरी मिल गई, कोई राजनीतिक लाभ मिल गया, उसी के परिवार में फिर उसका लाभ मल्टीप्लाई होता रहा, आगे बढ़ता रहा। और सचमुच में जो पिछड़ों को उठाकर अगड़ा बनाने की बात थी, असल में ये पिछड़ा अगड़ा बनाने की बात ही नहीं है। अब भारत को, आधुनिक भारत को वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर सबके विकास की बात हो। और अगर इस तरह की आरक्षण व्यवस्था के बावजूद भी जो लाभ ले रहे हैं वो अत्यधिक लाभ लेकर और ऊपर चले जाते जा रहे हैं, और जो पीछे हैं उनको लाभ अभी भी नहीं मिल रहा है, तो ये आरक्षण व्यवस्था ही पूरी प्रश्न चिन्ह इस पर खड़ा हो जाता है और सवालों के दायरे में आ जाती है। ये जो OBC की बात हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि OBC एक बड़ा वोट बैंक है। अगर 2633 जातियाँ उसमें शामिल है, और अब तो हर कोई, बिहार की जनगणना भी क्या बता रही, सामान्य वर्ग तो केवल 15% है। तो गीता जी ठीक कह रही थी कि अब तो सामान्य वर्ग द्वारा आरक्षण मांग ली, कि भाई सामान्य वर्ग ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि उसको आप नौकरी भी नहीं दोगे, वो ज़्यादा अंक लाएगा फिर भी उसको आप कॉलेज में पढ़ने नहीं दोगे, माइनस मार्किंग वाला भी कॉलेज में पढ़ लेगा, ऐसी भी बहुत सारी बहस है ना। तो आपको समान
जो खेलने का मैदान है, जो हम उसको लेवल प्ले ग्राउंड बोलते हैं, कि आप समानता के अवसर दे दीजिए ना, आप बच्चे को मुफ्त में किताब दे दीजिए, बच्चे की फीस माफ़ कर दीजिए, लेकिन उसको अंक तो लाने पड़ेंगे ना। क्यों अंक नहीं लाएगा ज़्यादा और फिर भी उसका टैलेंट जो है वो रिकॉग्नाइज हो, ये इस व्यवस्था को तोड़ने की बात कोई नहीं करता है। सबके मुंह में दही जम जाता है और फिर उस बात को ही ढकने के लिए मंच से प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ता है कि केवल जाति तो गरीब है, जबकि हम सच्चाई जानते हैं कि टिकट भी जाति के आधार पर इस देश में बंटते हैं। अगल बगल हर पार्टी देती है, खाली जातिवादी राजनीति करने वाले नहीं देते, जो जातिवाद की राजनीति का ना करने का दावा करते हैं वो भी जाति पर टिकट देते हैं। देखिए इस जाति बीज को रोप कर हम जो एक नया समाज रचने की कोशिश कर रहे थे, उस समाज को धक्का किस स्तर पर, मैं बता देता हूँ कि जब ये जाति की बार बार बहस सामने आती है ना, तभी स्कूल में साथ में बैठकर टिफिन खाने वाला बच्चा ये सोचने पर विवश हो जाता है कि मेरे बगल में टिफिन खा रहा बच्चा किस जाति, किस वर्ग, किस धर्म का है। तब तक उसके दिमाग में ये विजबेल नहीं पनप रही होती है। तो मुझे इस पूरी बहस में सिर्फ ये कहना है, क्योंकि अमर उजाला का मंच और यहाँ से इस तरह की गंभीर बहस करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पसंद भी की जा रही है, समाज को इसमें उठ खड़ा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आरक्षण का लाभ लेने का लालच जो जनता के मन में है, और जो हमें आरक्षण देगा, जो हमें लाभ देगा, उसी को हम वोट देंगे, तो समाज में भी कहीं ना कहीं गलती है ना, समाज को भी अपने भीतर जागना है। तो राजनेता कहते हैं अच्छा तुम्हें लाभ देंगे तभी उनको मुफ्त की रेवड़ियां मिल रही हैं, तभी सरकार का खर्चा उतनी है ही नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।